सवाल प्रशांत जी आप सुन चुके हैं, चर्चा हम कर रहे हैं, दो इंटरव्यू हम लोगों को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, आपने इंटरव्यू लिया था, और अब करण थापर को इंटरव्यू दिया है सत्यपाल मलिक साहब ने, और दोनों इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू कल करण थापर को दिया है आप याद कीजिए, आप लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा होगा, 35 मिनट के बाद धीरे धीरे परत दर परत जो अपने को इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसकी बातों को आगे बढ़ाते हुए और उसमें बहुत सारे सवाल उसके साथ साथ जोड़ते हुए करण थापर पूछ रहे हैं सत्यपाल मलिक से और वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन सियासी मायने भी तलाशने की जरूरत है, किस रूप में देखा जाए, आप किस रूप में देखते हैं प्रशांत टंडन जी? देखिए, जब मैं इंटरव्यू उनका ले रहा था राजीव जी, तो जो मेरी रिसर्च थी या जो मैंने पढ़ा था वो सब गलत साबित हो गया। मैं ये रिसर्च करके गया था कि पुलवामा में जब ये डिप्लॉयमेंट हो रहा था और कॉन्वॉय का मूवमेंट हो रहा था, और आज भी अगर गूगल करके आप उसको निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा कि वो रूट दो दिन पहले से सैनिटाइज था। और मैं कई बार कश्मीर गया हूँ, जब धारा 370 हटी थी उसके एक महीने बाद भी गया था, और कश्मीर में आप भी हमारे साथ थे और आप देख रहे थे कि जब राहुल गांधी के लिए गए थे तो कैसा सैनिटाइजेशन होता है रूट का वहाँ पे, कि एक व्यक्ति पैदल भी नहीं चल पाता है। मैं कई बार कश्मीर में गया हूँ, गाड़ी चला के गया हूँ राजीव जी, और अगर कॉन्वॉय का मूवमेंट है तो मैं एक एक घंटा दो दो घंटा मैंने वेट किया है पोस्ट पर, और भी लोगों के तजुर्बे होंगे। मैं चौंक गया जब उन्होंने कहा कि एक जिप्सी भी नहीं खड़ी थी, बाइट अभी सुनवाई है, उन्होंने कहा एक जिप्सी भी नहीं खड़ी थी वहाँ पे, और कोई वो जहाज की रिक्वेस्ट नहीं मानी वो एक अलग बात है, लेकिन रूट भी सैनिटाइज नहीं था। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अगर 2500 या 1000 सैनिक मूव कर रहे हैं कहीं पे, कॉन्वॉय मूव कर रहा है, और वो रूट अगर सैनिटाइज नहीं है, बावजूद इसके कि जनवरी से और आखिरी दिन तक, यानी 14 फरवरी को हमला हुआ है, 13 फरवरी तक इंटेलिजेंस इनपुट था कि कुछ बड़ी घटना वहाँ हो सकती है, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये जो लापरवाही है, जैसा अखिल स्वामी जी कहते हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आपराधिक लापरवाही है। अब दूसरी बात जो पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल बात जी, मैं इसमें किसी कंक्लूजन में पहुंचना नहीं चाहता हूं, लेकिन दो फैक्ट हैं। जनवरी तक, जो जनवरी 2019 तक जो सर्वे आए चुनाव के, प्री इलेक्शन सर्वे जो आए, इंक्लूडिंग उनके सर्वे जो गोदी मीडिया की, जिसको हम जानते हैं, वो एक भी सर्वे एनडीए को मेजॉरिटी नहीं दे रहा था। एनडीए की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ राजीव जी। एनडीए को भी एक भी सर्वे जनवरी तक मेजॉरिटी नहीं दे रहा था। पुलवामा के बाद अपोजिशन के पास कुछ नहीं बचा नैरेटिव, वॉकओवर देना उनकी मजबूरी हो गई। लेकिन ये घटना, इसकी जांच कब होगी, ईमानदार ऑब्जेक्टिव जांच, शायद ये सरकार ना रहे तभी संभव है, लेकिन ये जब भी इसका सच सामने आएगा तो बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये क्या, कैसे ये लापरवाही। उन्होंने रक्षा मंत्री से जहाज की वो की थी रिक्वेस्ट, क्योंकि इतने लोग उसमें नहीं जाते हैं कारामन, इनको जहाज नहीं दिया गया, अगर वो मेरे से कहते तो मैं जहाज दिला देता उनको। 40 लोग हमारे उसमें सीआरपीएफ के उसमें मरे, 300 किलो आरडीएक्स कहते हैं कि आ गया वहां पे, वो रूट लॉक था दो दिन पहले से। नहीं, कुछ लॉक नहीं था, आप हैरत करेंगे, जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त तक भी जब ये गुजर रहा था कारवां, तो उसमें 8-10 लिंक रोड मिलती हैं उस 10 किलोमीटर के एरिए में, कहीं पे एक जिप्सी भी नहीं खड़ी थी। तो ये कैसे हो गया? लापरवाही, इनकॉम्पिटेंस, इंटेलिजेंस फेलियर था, इंटेलिजेंस इनपुट थे। आप गवर्नर थे और उस वक्त गवर्नर थे जब मुख्यमंत्री भी नहीं था वहां पे।
जी जी, तो गवर्नर तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पूरा होता है। नहीं नहीं, हमको नहीं था ये, हमारे पास नहीं आते थे ये, जो फोर्स है उन्हीं को इनपुट थे, मुझे नहीं था, मुझे होता तो मैं करता। आपको कोई जानकारी नहीं थी? नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग, मुझे तो इनके मूवमेंट की भी जानकारी नहीं थी। जब पुलवामा की घटना हो गई तो आपको क्या, आपको कैसे मालूम पड़ा, कैसे एक्टिव हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक डॉक्यूमेंट्री की कॉर्बेट पार्क में थे, कॉर्बेट पार्क बाहर आके ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया था।